हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग एक्सरसाइज सॉरी वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज 4.3। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। यामिनी एंड फातिमा टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contribution as rupees x and rupees y. Draw the graph of the same. So this question is very easy. You will do by yourself. Okay? मैं कुछ थोड़ा बता देती हूँ कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें टू गर्ल्स हैं यामिनी एंड फातिमा, दोनों ने टोटल 100 रुपीज मिलाए, मतलब कुछ पैसे उसने और कुछ पैसे यामिनी ने, कुछ पैसे फातिमा ने, ठीक है। दोनों ने मिलाए तो दोनों को प्लस किया तो कितना हुआ 100। ओके, सो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन, तो आप यामिनी का कंट्रीब्यूशन एक्स मान लें और फातिमा का वाई, ठीक है। तो दोनों को जब हम प्लस करेंगे, एक्स प्लस वाई दोनों का मिलाकर कितना हुआ 100। ओके, नाउ अब आप इससे, आपके पास ये लीनियर इक्वेशन मिल गया है, नाउ यू हैव अ लीनियर इक्वेशन, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ओके, एंड ड्रॉ द ग्राफ। ओके, जैसे आपने पिछले क्वेश्चंस में ग्राफ ड्रॉ किए हैं इक्वेशन की मदद से, हियर आप एक्स की वैल्यू रखिएगा तो वाई की वैल्यू आपको वैसे ही मिल जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर इन सेल्सियस। हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ओके, तो ये इक्वेशन ही दिया है आपको, तो यहां भी हमको क्या करना है, ग्राफ तैयार करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो ये इक्वेशन दिया है तो हम वैल्यू फाइंड करना सीखें कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो ये भी इजी है, जैसे इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वैसे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, बस फर्क यहाँ है, यहाँ एक्स और वाई है, यहाँ एफ और सी है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है। सो हेयर अवर इक्वेशन इज एफ इक्वल 9/5 सी प्लस 32। नाउ व्हेन वी टेक सी इक्वल 0 डिग्री सेल्सियस, देन F equal 9/5 into in place of C we put 0 plus 32. Okay, here 0 किसी भी नंबर का अगर 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, plus 32 equal 32 degree Fahrenheit. Okay, again when C equal, अब हम यहां अगर 20 degree Celsius लेते हैं तो F equal 9/5 into 20 plus 32. Here 5 1 5, 5 4 20, 9 4 36 plus 32, 68 degree Fahrenheit. Okay, again if C equal minus 40 degree Celsius, so F equal 9/5 into minus 40 plus 30. 2. Here 5 1 the 5, 5 8 the minus 8. So 9 8 the minus 72 plus 32 equal minus 40 degree Fahrenheit. Okay. So here our table is Celsius Fahrenheit. Okay. 0 degree Celsius, then we find 32 degree Fahrenheit, 20 degree Celsius, so here 68, and 40 degree Celsius, minus 40 degree Celsius, so here minus 40 degree. Okay, now draw the graph. Okay, here we take 1 centimeter equal 10 unit. Okay, now see, here 0 in place of C, sorry, यहाँ सी जो है, सी को हम यहाँ एक्स कह सकते हैं और वाई एफ को वाई, ठीक है। सो यहाँ सी 0 एंड एफ 32, ये आप इसको मान लो सी और इसको मान लो एफ, ओके। सो 3 0 एंड 32, 30 एंड हेयर
32. यू नो, आप जानते हैं हर टू पॉइंट्स के बीच में 10 लाइंस होती हैं, तो इसमें जो वन लाइन होगी, वन लाइन जो होगी आपकी, वो 2 पॉइंट की होगी. ठीक है, 10 लाइंस है, सॉरी, तो वन लाइन वन की ही होगी. तो यहां हो गया आपका 32, 30 के बाद 31, 32, ये कर लिया. ये ले आप यहां पर 0 एंड 32 डिग्री. ओके, 32 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट 20, 20 एंड 68, सो 68 हेयर. सिक्सटी एट, 20 एंड 68. ओके, एंड लास्ट माइनस 40, माइनस 40. हेयर यू सी माइनस 40 एंड हेयर माइनस 40, माइनस 40 एंड माइनस 40. ओके, नाउ ड्रॉ द सॉरी हेयर सम मिस्टेक. मुझे 10 नहीं लेना था यहाँ, यहाँ तो 0 था ना, तो 0 का यहाँ आएगा, ये 0 एंड 32. ओके, ये इधर, ये मैंने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया. ओके, नाउ ये अब जो है एक लाइन पर बन जाएंगे. ठीक है, ये मैंने पेन से बनाया ताकि आप लोगों को दिखे, पर आप लोग पेंसिल से बनाएंगे. ओके, सो दिस इज लाइन पी एंड क्यू. ओके, तो ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट का आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 8 का 2. इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, सो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? सो गिवन इक्वेशन इज दिस, एंड सेल्सियस इज टेम्परेचर जो है वो क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस. सो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 9/5 × 30 + 32. सो 5 × 5, 5 × 6 = 30, 9 × 6 = 54 + 32, तो ये हुआ 86 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, नेक्स्ट, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, सो व्हाट इज द टेम्परेचर इज सेल्सियस. सो हियर सी फॉर एफ इक्वल 9/5 × C + 32. ये तो हमारा क्या है, इक्वेशन है. चलें स्टार्ट करें, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है 95, हियर 32, प्लस ट्रांसपोज करें माइनस 9/5 × C. सो हियर यू सी 363. ओके, इक्वल 9/5 × C. सो हियर 5 अपॉन में है, इस तरफ जाएगा तो इंटू में, 63 × 5, और यहाँ 9 × में है तो यहाँ अपॉन में, इक्वल सी. 9 × 1 = 9, 9 × 7 = 6 3. सो 7 × 5 = 35 इक्वल, तो ये हुआ आपका सेल्सियस में कितना होगा, ये 35 डिग्री सेल्सियस. ओके, नेक्स्ट, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? तो जैसे ये किया है वैसे ही ये करना है. सी की जगह क्या रखेंगे आप, 0 रखेंगे, और ऐसे ही नेक्स्ट वाले में जैसे ये किया है वैसे ये करेंगे कि फ़ारेनहाइट की जगह 0 रखेंगे और सॉल्व करेंगे. ठीक है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस? इफ यस, फाइंड इट. आपको ऐसा टेम्परेचर बताना है कि जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में वैल्यू क्या हो, सेम हो. ठीक है, तो ऐसा इक्वेशन आपको, ऐसा टेम्परेचर बताना है. तो ऐसा टेम्परेचर है -40°C, ओके. आप देख भी सकते हैं पहले में मैंने बताया है, फर्स्ट वाला जब मैं ग्राफ बना रही थी तो -40 मैंने लिया था. ठीक है, सो यू विल डू एंड कंप्लीट एक्सरसाइज 4.3.